गुड इवनिंग बच्चों। तो इस वीडियो से आज आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कल से हम लोग को ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बैठना है, कैसे हम लोग को ऑनलाइन एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग का टाइमिंग है, जो कल से आप लोग को टेस्ट देने हैं, उसके जो टाइमिंग है वो क्लास सिक्स के लिए 2:00 to 2:45 PM रहेगा। क्लास सेवन्थ के लिए जो टाइम रहेगा वो 1:00 to 1:45 रहेगा। क्लास एट्थ के लिए जो टाइमिंग है दैट इज़ फ्रॉम 12:00 to 12:45 PM। क्लास नाइन्थ के लिए 11 AM से 11:45 AM तक है। और क्लास टेंथ के लिए जो टाइमिंग है वो है 10 AM to 10:45 AM तक। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमको लिंक स्टार्ट करनी है, कैसे हमको गूगल क्रोम पे एग्ज़ाम को या टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को भाई बहन है उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उनको एक ही मोबाइल से वो अपने भाई बहन का भी लॉगिन कर सकते हैं, वो भी एग्ज़ाम एक ही मोबाइल से दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। और शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपका जो भाई बहन होना चाहिए वो अलग क्लास में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं मान लीजिए सेवन्थ क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा भाई मान लेते हैं एट्थ क्लास में पढ़ता है, तो हमको दो मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, सेम मोबाइल से दोनों का काम चल जाएगा। कैसे चलेगा काम, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके लिए देखिए, आपके पास जो भी आपका ग्रुप होगा उस ग्रुप में आपके पास कुछ ये गूगल फॉर्म आएगा, मतलब इस गूगल फॉर्म में जो लिंक है इस लिंक की तरह आपके पास एक लिंक क्लास के ग्रुप पे आएगी। इस लिंक को आपको ओपन करना है। ओपन करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक गूगल फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस गूगल फॉर्म को फिर आपको टिक करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन पे आपको टिक करना है। आप जैसे ही टिक करेंगे, जैसे आप इसमें टिक लगाएंगे, आप सभी क्वेश्चंस पे टिक लगाएंगे और सब क्वेश्चन पे टिक लगाने के बाद लास्ट में आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। एक बात का विशेष ध्यान आपको देना होगा कि आपका मोबाइल फुल्ली चार्ज्ड हो प्लस आपके पास इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध हो। इसके साथ ही साथ आप लोग लिंक को 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट पहले ख़त्म करने की कोशिश करें, मतलब आप अपने पेपर को 2 या 3 मिनट पहले ख़त्म करने की या एंड करने की कोशिश करें और अपना फॉर्म क्या कर दें, सबमिट कर दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को याद रखनी है। अब मान लीजिए हमारा कोई भाई था जो एट्थ क्लास में था और मैं सेवन्थ क्लास में था और मेरा मान लीजिए जो टेस्ट था वो 11 बजे ख़त्म हो जाता है, 11 बजे सुबह ख़त्म हो जाता है, और जो भाई का टेस्ट है वो 11 से 12 के बीच में है, 11 से 11:45 के बीच में है। तो क्या करना है, जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे पास एक सबमिशन की रिपोर्ट आ जाएगी, एक जीमेल पे हमारे ईमेल आईडी पे एक कन्फर्मेशन फॉर्म आ जाएगा। तो उसमें हमको कुछ नहीं करना होता। अब जैसे मान लीजिए हमको दूसरा खोलना है, अपने भाई का खोलना है या हमारा खोलना है, तो देखिए क्या करना होगा, ये जो दूसरी लिंक है आपके क्लास ग्रुप पे, दूसरे क्लास ग्रुप पे दूसरी लिंक होगी, आप उस पर क्लिक करिएगा और उस पर क्लिक करने के बाद आपका एक दूसरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। जब दूसरा फॉर्म खुलेगा तो फिर उसको भी आपको फिल करना होगा। अब उसको आप जैसे भी फिल करेंगे वो फिल हो जाएगा और फिल होने के बाद उसको भी आप क्या कर देंगे, आप उसको भी सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद दोनों के फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, मतलब आपका जो टेस्ट होगा वो एक एक करके इस तरीके से आप सबमिट कर सकते हैं। बस आपको एक ये बात ध्यान देनी है कि अगर आपकी भाई बहन सेम क्लास में है, जैसे मान लीजिए मैं सेवन्थ में था और मेरा भाई भी सेवन्थ क्लास में है, तो वो उस केस में हम लोग सेम मोबाइल से दोनों लोग लॉगिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है सेवन्थ क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो सभी का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेम मोबाइल से दो लॉगिन नहीं हो सकते हैं, उसके लिए हमको दो सेपरेट मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बात ये याद रखिएगा, दो सेपरेट मोबाइल के साथ साथ हमको उन दो मोबाइल्स में अलग अलग ईमेल आईडी भी होने चाहिए। इसके बाद कल आप लोग का शायद मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो गुड लक सभी को मैथ्स के लिए। मैथ्स से रिलेटेड कुछ बात बता देता हूँ कि आपको रफ़ वर्क के लिए जो शीट है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि आपका पेपर स्टार्ट हो गया है और अब आप पेन ढूंढ रहे हैं, अब आप शीट ढूंढ रहे हैं, अब आप रफ़ वर्क के लिए कागज़ ढूंढ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। और हो सके तो आप एक स्टॉप वॉच ले कर बैठिए और स्टॉप वॉच में आप 40 मिनट्स का एक गैप बना लीजिए, तो 40 मिनट्स पर ही आपको पेपर ख़त्म कर देना है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं, तो आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जितने 10, 20, 30 जो भी क्वेश्चंस आते हैं कल आपके पास, वो सभी क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जो भी आपको लिंक मिल रही है वो आप लोग को कल ऑनलाइन रहना है, और ऑनलाइन जब आपके पास लिंक अवेलेबल हो जाती है आपके क्लास ग्रुप पे, उस पर आप क्लिक करके आप एग्ज़ाम को स्टार्ट करेंगे और जितनी जल्दी से जल्दी आप हो सके उस एग्ज़ाम को ख़त्म भी कर देंगे। ये नहीं कि 45 मिनट्स का एग्ज़ाम है तो बिल्कुल आप 45 मिनट्स का वेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको फॉर्म जल्दी से जल्दी, मतलब हम ये कहेंगे कि 40 मिनट्स मैक्सिमम जो टाइम होना चाहिए वो 40 मिनट्स होना चाहिए, 40 मिनट्स में आपको एग्ज़ाम कंप्लीट
कर देना है। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।